ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है ईमानदारी से प्राप्ति। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक जमींदार रहता था। एक बार नगर में अचानक अकाल पड़ गया, सब भूखे रहने लगे, बच्चे, जवान, बूढ़े। जमींदार ने ऐलान किया कि जितने भी नगर में बच्चे हैं वे रोज मेरे पास आए, मैं उनको दो दो रोटी खिलाऊंगा। जो समय मुकरर किया गया उस समय पर रोज नगर के बच्चे जमींदार के पास जाते थे, दो रोटी लेकर संतुष्ट होकर भोजन स्वीकार करते थे। उन बच्चों में एक छोटी सी कन्या थी जो सबसे लास्ट रोटी लेने आती थी, एक रोटी लेके जाती थी, माँ के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी वो रोटी खाकर संतुष्ट रहती थी। एक बार की बात है, जब वह लड़की अपनी रोटी लेकर माँ के पास घर में पहुंची और उस रोटी के टुकड़े किए, तो अचानक रोटी के टुकड़े से कुछ सोने के दाने निकल आए। माँ बेटी देखकर दंग रह गई। माँ ने कहा कि बेटी, जाकर के अभी जमींदार को ये रिटर्न कर दो, वापिस कर दो। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। और वो तुरंत अपने साथ रोटी और सोने के दाने ले गई, जमींदार से मिली और उनको जाकर के कहा कि देखो, आज जो आपने हमें रोटी दी उसमें सोने के दाने निकले हैं, तो ये मैं आपको लौटाने आई हूं। जमींदार देखकर हैरान हो गया, एक पलक से देखता ही रह गया कि लड़की कितनी स्याणी है, समझदार है, ईमानदार है। उसने लड़की को कहा कि बेटी, ये तुम्हारे ही संतोष का फल है, तुम ही रखो उसको। लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे अपने संतोष का फल मिल गया है, वो तो आप देते ही रहते हो, ये आपकी चीज आपको स्वीकार करनी है। बहुत समझाने के बाद फिर वह लड़की सोने का दाना माँ के पास लेके गई। जमींदार को इतना प्यार आया कि उसने उनकी माँ को भी अपने घर पर बुलाया, रहने का प्रबंध किया। और जमींदार को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने उस लड़की को अपना वारिस भी बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि जीवन के अंदर ईमानदारी कितना महत्व रखती है। संतुष्ट तो हमें रहना है, क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति ही सदा सुखी रहता है। परंतु संतुष्टता के साथ साथ ईमानदार रहना भी बहुत जरूरी है। तब हम, अगर हमें कुछ अप्राप्ति भी है, तो वो हमें दुख का अनुभव या दुख की महसूसता करने नहीं देती है। ओम शांति।